1927 में आज ही के दिन मशहूर साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम रजा का जन्म हुआ था। रजा ने 1946 में लेखन की शुरुआत की। 1950 में इनका पहला उपन्यास मोहब्बत के सिवा उर्दू में प्रकाशित हुआ। रजा अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण की वजह से काफी लोकप्रिय रहे। टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुंबई में रहकर रजा ने 300 फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे और दूरदर्शन के लिए 100 से अधिक धारावाहिक लिखे, जिसमें महाभारत और नीम का पेड़ बेहद लोकप्रिय रहा। इन्हें मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार भी मिला। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आज ही के दिन हमला किया था। हिटलर की सेनाओं ने बिना किसी पूर्व चेतावनी पोलैंड पर धावा बोल दिया और इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जर्मन सेना टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों, 1.5 लाख सैनिक और गोला बारूद सहित पोलैंड को खत्म करने के लिए कमर कस चुकी थी। सवेरा होते ही जर्मन सेना के युद्धक विमानों ने पोलैंड पर हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब में फ्रांस, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल देशों ने जर्मनी को पोलैंड से अपनी सेनाओं को हटाने की चेतावनी दी। इन देशों ने पोलैंड में अपनी सेनाओं का जमावड़ा भी शुरू कर दिया और जर्मनी से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। पोलैंड ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन सारलैंड पर एक छोटे फ्रांसीसी हमले के सिवा पोलैंड को कोई सैन्य सहायता नहीं मिली। 1956 में आज के दिन भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी की स्थापना हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी। यह कंपनी भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जीवन बीमा निगम के 8 आंचलिक कार्यालय और 101 संभागीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके लगभग 2048 कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित हैं और इसके 10 लाख से ज्यादा एजेंट्स भारत की अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। और 1969 में आज एक दिन लीबिया में तख्ता पलट हुआ और शासक इदरीस को पद से हटा दिया गया। सेना के अधिकारियों के एक समूह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश को गणतंत्र घोषित कर दिया। शासक इदरीस उस समय टर्की में थे। इन्होंने इस तख्ता पलट को खारिज किया। लीबिया सेना के टैंकों और सैनिकों ने राजधानी त्रिपोली को घेर लिया और राजमहल समेत सभी प्रमुख ठिकानों पर कब्जा कर लिया। लीबिया के युवराज ने नई सत्ता के समर्थन की घोषणा की और साथ ही मिस्र और इराक ने रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल को भी मान्यता दे दी।